देश में नेताओं के ऊपर हत्या के मामले तुल पकड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक खबर पाकुड़ से भी सामने आ रही है, जहां पर मुखिया पंचायत के ऊपर भी बम से हमला किया गया। उनके वाहन के ऊपर हमलावरों ने बम फेंक दिया। सदर प्रखंड के मनिकापाड़ा पंचायत के मुखिया के वाहन पर अज्ञात अपराधियों ने सोमवार की देर शाम बम से हमला कर दिया। बमबारी के बाद अपराधियों ने मनिकापाड़ा के मुख्य कौशल अली को गाड़ी से खींचकर निकाला और उनके शरीर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अपराधियों द्वारा किए गए हमले के कारण मुखिया कौशल अली और एक बच्चे की मौत हो गई। घटित घटना में मुखिया की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया गया है। घटना मनिकापाड़ा पंचायत जाने वाली पाली रोड में हटिया मोड़ के निकट उस वक्त घटी जब मुखिया अपने चार पहिया से गांव की ओर जा रहे थे। लगभग शाम के 6:30 बजे जैसे ही मुखिया का वाहन हटिया मोड़ के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए अपराधियों ने वाहन पर बमबारी की। वाहन के रुकते ही अपराधियों ने मुखिया कौशल अली को गाड़ी से घायल अवस्था में बाहर निकाला और चाकू से वार किया। मणिका जाने वाला रास्ता में कौशल मुखिया करके एक आदमी के गाड़ी पर कुछ बदमाशों के द्वारा घात बना के हमला किया था बम से। उसके बाद उसको गाड़ी से निकाल के उनके ऊपर चाकू से हमला किया था और जब उनको और उनके परिवार वाला को अस्पताल पहुंचाया तो उनको मृत घोषित किया गया था। इनको एक बेटी था, वो नाजुक थी और उनका भी डेथ कुछ टाइम के बाद हुआ है। ये बेसिकली इनका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था, विवाद के कारण होने का बात सामने आ रहा है। हम लोगों को पकड़ने के लिए हम लोग अभी अलग से एक SIT का गठन किया है SDPO पाकुड़ के रहना तो में। हम लोग अभी कोशिश कर रहा है, हमारा उम्मीद होगा कि हम लोग बहुत जल्दी उन लोगों को पकड़ेंगे और ये जो इतना खटिया काम करने के लिए उन लोगों को हम लोग स्पीडी ट्रायल करवा के उन लोगों को सजा भी हम लोग तुरंत देने का काम करेंगे। कितने लोग थे घटना? अभी घटना में जो इनके साथ जो आदमी था तो इनका कहना है कि घटना में 5-6 आदमी था। अभी हम लोग 3 आदमी को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, बाकी कौन कौन है अभी हम लोग करने का काम कर रहा है। जैसे ही हमको पता चल जाएंगे हम लोग उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। घायल कितने? घायल टोटल अभी 3 आदमी घायल था, उनका ड्राइवर भी था और उनकी वाइफ और उनका एक बच्चा, और वाइफ और बच्चा का सिर थोड़ा नाजुक होने के कारण लोगों को रेफर किया है ऊपर हॉस्पिटल। बॉम्ब सर कितना फायर किया? बॉम्ब अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 3-4 बॉम्ब का बात बता रहा है, अभी इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आ जाएगा। बम के साथ चाकूबाजी की थी सर? हाँ वही हुआ है, बम के बाद चाकू से भी इनके ऊपर वार किया है। कोई यानी कैजुअलिटी? कैजुअलिटी अभी 2 ही आदमी है, एक कौशल मुखिया और उनका एक बेटी है 4 साल की, ये दोनों का डेथ हो गया है।